हेलो एवरीवन, हम लोगों का प्रश्न है 204 का अभाज्य गुणनखंड क्या है। तो चलिए दोस्तों, 204 का अभाज्य गुणनखंड निकालते हैं और देखते हैं कि 204 का अभाज्य गुणनखंड यानी कि प्राइम फैक्टर्स क्या होता है। तो देखिए दोस्तों, इस संख्या को यहाँ पर कुछ इस प्रकार से लिख लिए हैं। अब दोस्तों क्या करना होता है, इस संख्या को कटाना होता है और सिर्फ अभाज्य संख्या से कटाना होता है। तो जैसा कि दोस्तों हम लोग जानते हैं कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होती है, तो दोस्तों हम देखेंगे क्या यह संख्या 2 से कटेगी। तो देखिए दोस्तों, 2 से कटने का नियम होता है, यदि जिस भी संख्या की इकाई के अंक 0 रहता है, 2 रहता है, 4 रहता है, 6 रहता है और 8 रहता है, तो वह संख्या 2 से कट जाती है। तो देखिए दोस्तों, यह जो संख्या है इसका भी इकाई के अंक यहाँ पर 4 है, इसलिए दोस्तों यह भी संख्या 2 से कट जाएगी। तो चलिए इसको हम 2 से कटा देते हैं। दोस्तों हमारे साथ आप लोग यहाँ पर पूरी तरह से कटाना सीखिएगा, तभी दोस्तों आप लोग इस तरह के अभाज्य गुणनखंड वाले सवाल बहुत ही आसानी से और जल्दी बना पाइएगा। देखिए दोस्तों, यहाँ पर तो पहले 2 है, तो क्या होगा, यह 2 जो है ना, इस 2 से एक बार में कट जाएगा, क्योंकि 2 एक ही 2 होता है। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, यहाँ पर तो 0 है, तो यह 0 इसी तरह से यहाँ पर उतर जाएगा। यहाँ पर दोस्तों 4 है, तो क्या होगा, यह 4 जो है ना, इस 2 से 2 बार में कट जाएगा, क्योंकि 2 दूनी के 4 होता है। देखिए दोस्तों, यहाँ पर 102 आ गया, तो देखिए यह जो संख्या है इसका भी इकाई के अंक यहाँ पर 2 है, इसलिए दोस्तों यह भी संख्या अभी 2 से कट जाएगी। तो चलिए इसको हम 2 से कटा देते हैं। यहाँ पर दोस्तों पहले 10 है, तो दोस्तों क्या होगा, यह 10 जो है ना, यह इस 2 से 5 बार में कट जाएगा, क्योंकि 2 × 5 = 10 होता है। यहाँ पर दोस्तों 2 है, तो क्या होगा, यह 2 जो है ना, इस 2 से एक बार में कट जाएगा, क्योंकि 2 × 1 = 2 होता है। यहाँ पर दोस्तों देखिए 51 आ गया, तो देखिए दोस्तों यह 51 जो यह संख्या है, इसका इकाई के अंक यहाँ पर 1 है, इसलिए दोस्तों यह अब संख्या 2 से नहीं कटेगी। तो दोस्तों अब हम देखेंगे क्या यह संख्या 3 से कटेगी। तो देखिए दोस्तों, 3 से कटने का नियम होता है, यदि जिस भी संख्या के अंकों का योग 3 से कट जाता है, तो वह संख्या भी 3 से कट जाती है। तो चलिए दोस्तों, इस संख्या के अंकों को जोड़ते हैं और देखते हैं क्या 3 से कटता है। तो देखिए दोस्तों, इस 5 में इस 1 को जोड़ेंगे तो कितना होगा, 6 होगा। तो जैसा कि दोस्तों हम लोग जानते हैं कि 6 जो संख्या है वह 3 से 2 बार में कट जाती है, इसलिए दोस्तों यह 51 जो यह संख्या है ना, यह भी 3 से कट जाएगी। तो चलिए इसको हम 3 से कटा देते हैं। यहाँ पर दोस्तों पहले 5 है, तो दोस्तों 3 के पहाड़ में 5 तो आता ही नहीं है, इसलिए हम क्या करेंगे, इस 5 में से इधर 2 भेज देंगे। ध्यान दीजिएगा, देखिए दोस्तों यहाँ पर तो 5 था, लेकिन जब 5 में से इधर 2 चला गया, तो यहाँ पर कितना हो गया, 3 न हो गया। तो अब दोस्तों क्या होगा, यह 3 जो है इस 3 से एक बार में कट जाएगा, क्योंकि 3 × 1 = 3 होता है। देखिए दोस्तों, इस 1 के आगे आकर 2 लग गया है, तो 2 और 1 मिलकर कितना हो जाएगा, 21 हो जाएगा। तो दोस्तों यह 21 भी इस 3 से 7 बार में कट जाएगा, क्योंकि 3 × 7 = 21 होता है। यहाँ पर दोस्तों 17 आ गया, तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि 17 जो है यह एक अभाज्य संख्या है, इसलिए 17 को 17 से कटा देंगे, तो यह एक बार में कट जाएगा। देखिए दोस्तों, हम 204 का अभाज्य गुणनखंड निकाल रहे थे, इसलिए 204 जो यह संख्या है, इसको पूरी तरह से सिर्फ अभाज्य संख्या से कटा लिए हुए हैं। अब कुछ इस प्रकार से हम यहाँ पर लिखेंगे, ध्यान दीजिएगा, 204 बराबर, देखिए दोस्तों 204 जो यह संख्या है, 1 2 बार 2 से कटा है और 1 बार 3 से कटा है और 1 बार 17 से कटा है। तो इन सभी को क्या करेंगे, यहाँ पर गुणे के रूप में लिखेंगे। तो चलिए लिखते हैं, 2 × 2 × 3 × 17। तो दोस्तों जो यह आ गया ना, 2 × 2 × 3 × 17, यही क्या हो गया, इस 204 का अभाज्य गुणनखंड यानी कि प्राइम फैक्टर्स हो गया। अब दोस्तों क्या करेंगे, इसको घातांकी रूप में सजा कर लिखने के कुछ इस प्रकार से। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, यहाँ पर 204 है, तो 204 को हम इसी तरह से लिखेंगे और बराबर के चिन्ह देंगे। यहाँ पर दोस्तों देखिए, 2 जो है ना, यह 2 बार है, 1 2, इसलिए क्या करेंगे, 2 की घात 2 लिख देंगे और गुणा का चिन्ह देंगे। यहाँ पर दोस्तों 3 सिर्फ एक बार आया, तो 3 को एक बार इसी तरह से लिखेंगे और गुणा का चिन्ह देंगे। यहाँ पर 17 भी एक बार आया, तो 17 को एक बार इसी तरह से लिख देंगे। यह जो दोस्तों हो गया ना, यह घातांकी रूप में हो गया।